हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, मैं आपको एक नॉलेज 100% दूंगा। दोस्तों आज बैनर से आपको पता लग गया होगा कि जियो फोन जो कीपैड मोबाइल होती है जियो फोन का, उसका सिम एंड्रॉयड में कैसे यूज कर सकते हैं और उसे किस प्रकार से आसानी से चला सकते हैं विदाउट किसी अन्य सिम के। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों यदि आपके पास जियो फोन का कीपैड मोबाइल है और उसे चाह रहे हैं कि मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में लगा दूं, तो जैसे ही आप उस एंड्रॉयड फ़ोन में लगाते हैं, यदि आपके जियो फोन में रिचार्ज रहता है फिर भी उसमें बोलता है कि आपका रिचार्ज नहीं है, कृपया रिचार्ज करें, या बोलता है कि आपको स्मार्टफोन में यूज करने लायक नहीं है ये आपका सिम, तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जियो फोन का सिम जो है एंड्रॉयड में कैसे फिट कर सकते हैं सिंपली आसानी तरीका से। उसको करना कुछ नहीं होता, जैसे ही आप एंड्रॉयड फ़ोन में लगाएंगे उसमें यदि आप जाएंगे किसी भी दुकानदार के पास, यदि दुकानदार के पास जाएंगे तो वो जैसे ही चेक करेगा आपका तो उसमें आसानी से शो करने लगता है ऑफ़र, वो बता देता है कि आपने कीपैड मोबाइल का सिम एंड्रॉयड में लगाया है। वो सिंपली आसान तरीका होता है बता देता है, बताने का कारण ये होता है कि वहाँ पे शो नहीं करता है, ना तो कीपैड मोबाइल का शो करता है ना ही एंड्रॉयड मोबाइल का प्लान शो करता है, जैसे 199 या 149 वो नहीं शो करता है, वहाँ पे ऑप्शन बता देता है प्राइम प्लस कर कर, यानी 99 आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा जिस प्रकार से नया सिम में एक्टिवेट करने पर लगता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जियो फोन का कीपैड मोबाइल का सिम एंड्रॉयड फ़ोन में यदि आप ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें बता देगा कि आपका प्राइम प्लस 149 लगेगा, यानी प्राइम प्लस 199 लगेगा, यानी यदि आप रिटेलर हैं तो आप उसका रिचार्ज कर सकते हैं सिंपली आसानी से, यदि आप कस्टमर हैं तो जाकर दुकानदार से बोल देंगे तो आपका 99 कुल मिला जुला कर आपका 99 जो है एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, जिसमें आपका 99 प्राइम लग जाएगा प्लस 149 या 199 का रिचार्ज करिए, उसके बाद आपका सिम 100% जियो फोन का सिम कीपैड का एंड्रॉयड में वर्क करने लगेगा। उसके लिए यदि आपका सिम एक्टिवेट नहीं होता, यदि रिचार्ज है जियो फोन में, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, 1991 यानी उस 1991 पे कॉल करेंगे और 1 दबाएंगे और 4 दबाकर उसे दो बार 1 दबाकर एक्टिवेट कर लेंगे, वो प्लान आपका एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं तो आपको किसी हॉटस्पॉट कनेक्ट कर माई जियो एप्लीकेशन से जाकर इस प्लान को एक्टिवेट कर लेना है, आपका जो है जियो कीपैड मोबाइल का सिम एंड्रॉयड में 100% वर्क करने लगा। अब बात आती है, इसी में बता देता हूँ कि क्या एंड्रॉयड फ़ोन का सिम जियो फोन में चल सकता है, ये भी 100% चलेगा। इसका भी यही रीज़न है कि जैसे ही आप एंड्रॉयड फ़ोन का सिम कीपैड मोबाइल में लगाएंगे, वैसे आप जैसे भी दुकानदार के पास जाएंगे उसके पास जियो पोस्ट की आईडी रहेगी, तो वो आपका शो करने लगेगा कि 75 रुपये का प्लान है, 125 रुपये का प्लान, जिसमें आपको मेंबरशिप नहीं लगेगा तो उसे आसान होता है एंड्रॉयड से कीपैड में आने के लिए, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों ऐसा ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर।